લાયન્સ ક્લબ ઓફ વાપી દ્વારા શરણી સમર્પણ જ્ઞાન સ્કૂલ તથા સંસ્કાર ભારતી સ્કૂલમાં વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. સ્કૂલોમાં હરિયાળા વાતાવરણની સાથે પર્યાવરણની પણ જાળવણી થાય તે હેતુથી લાયન્સ ક્લબ દ્વારા બંને સ્કૂલોમાં વૃક્ષારોપણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં લાયન્સ ક્લબના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર સંજીવ કેશરવાણી તથા મુકેશ પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. मैं संजीव केशरवाणी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 322F2, जो भरूच से लेकर उमरगांव सिलवास दमन में लगभग 74 क्लब हुई है, जिसमें ये रीजन 4 वलसाड़ से लेकर उमरगांव सिलवास दमन है. इसमें ये क्लब औरा नई क्लब बनी है, जिसकी प्रेसिडेंट हेमा बेन है और इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने स्पॉन्सर की है सरिता तिवारी और हेमलता जी हैं, जो इसको खूब मेहनत करके नई क्लब बनाई है. हमारे रीजन में 16 क्लबें थी, अभी 21 क्लब हो गई. आज 18 क्लबें ट्री प्लांटेशन का काम कर रही है. हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिस से एक आह्वान था कि 25-26 को सूरत और रीजन 1-2 में आगे भरूच तक और रीजन 3-4 जो नवसारी से लेकर यहाँ तक आता है, आज 29 तारीख को ट्री प्लांटेशन का डेट रखा गया था. लगभग आज की डेट में 29 तारीख को 10,000 से ज़्यादा झाड़ रीजन 3-4 में लगाए जा रहे हैं. 25-26 को लगभग 6,000-7,000 झाड़ वहाँ लगाए गए. एक इन्वायरमेंट में ओवर हार्मिंग को देखते हुए एक हमारा एक लाइन्स का एक वो है कि हम बारिश के समय में अगर जितने भी ट्री लगाते हैं तो लोगों को जो ऑक्सीजन की या हेल्दी इन्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोग्राम किया गया है. बाकी डिस्ट्रिक्ट के बहुत प्रोग्राम हैं. इस बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की थीम में ये है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट एक तो मेंबरशिप इतने हाथ हो जाए कि हम लोग हर जगह पहुंच सकें, जैसे कई जगह कोई कई गांव में नहीं पहुंच सकते, उसका भी एक ध्येय है. जितने हाथ होंगे उतना सर्विस करेंगे. इसलिए हमने इस बार नई 11 क्लबें 12 क्लबें बनाई हैं, 5-6 डीओ क्लबें बनाई हैं और इस तरह से और भी 21 क्लबों का अपना डिस्ट्रिक्ट का ये है कि बनाएंगे, जिससे 300-400 मेंबर बढ़ेंगे और बढ़कर जहाँ नीड बेस्ड सर्विस जो गाँव में जो ज़रूरत है उस तरह की सर्विस. अभी हमने एक इमरजेंसी ग्रांट जो उमरगाँव के निचले एरिया में लोगों के घर में बाढ़ से पानी भर गया था, जिनके पास खाने का नहीं है, कंबल नहीं है, तो उनको हम लोग इंटरनेशनल से 3.5 लाख रुपए की हमारी ग्रांट आई है और हम सबको फूड पैकेट लगभग 1,000 रुपए की आइटम 300-350 घरों में दे रहे हैं. इसकी तैयारी मैं मुकेश भाई रीजन चेयरमैन है, जो प्रोजेक्ट चेयरमैन है, उमरगाँव की क्लब मिलकर पूरा वो एक हफ्ते के अंदर डिस्ट्रीब्यूट